मामला चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के पिपरौत गांव का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान देर रात नृत्यों के ठुमकों पर एक शख्स ने राइफल से जमकर फायरिंग की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। गौरतलब हो कि पूर्व में भी मऊ थाना क्षेत्र में ही एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान ऑर्केस्ट्रा डांसर को गोली लग गई थी। मऊ थाना अंतर्गत शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के मामले को पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने संज्ञान में लिया। फायरिंग करने वाले व्यक्ति समेत अन्य शामिल लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण करने सहित संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक सुभाष चौरसिया ने बताया कि हर्ष फायरिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति को फायरिंग करते हुए दिखाया गया था किसी समारोह में। उस व्यक्ति की पहचान कराई गई तो उस व्यक्ति की पहचान विनेश कुमार पांडे थाना मऊ पिपरौंद निवासी के रूप में हुई। 2 तारीख को पिपरौंद के दिनेश कुमार यादव के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी जिसमें बारात आई हुई थी। गांव का ही विमलेश कुमार पांडे उस शादी वैवाहिक समारोह में आमंत्रित था तो उसने वहां पर आकर के अपने लाइसेंसी एक नाली बंदूक से एक हर्ष फायरिंग की थी। इस सूचना पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति की पहचान करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उसका लाइसेंसी असलाह था उसको बरामद कर लिया गया और शस्त्र के दुरुपयोग के संबंध में लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी दी जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।